मित्रों, प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए भरसक प्रयत्न किया और अपने मिशन में, अपने प्रयास में कामयाब हुए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिस्थापित किया। तो योग एक ऐसी क्रिया है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। तो हम आज जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि योग होता क्या है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदू धर्म में चार लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जो मनुष्य जब प्राप्त करता है तो इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष की जब बात आती है तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि ये मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। इसी तरीके को ढूंढने के लिए समय समय पर हमारे देश में अत्यंत बुद्धिमान तेजस्वी ऋषियों ने जन्म लिया और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत दिया था हमारे महान मुनि कपिल मुनि ने, जिन्होंने सांख्य सिद्धांत दिया। दूसरे आए हमारे पतंजलि, जिन्होंने योग का सिद्धांत दिया। और इसके बाद हमारे गौतम ऋषि आए, जिन्होंने न्याय सिद्धांत दिया। और इसके बाद हमारे कणाद ऋषि आए, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत दिया। इसके बाद जैमिनी ऋषि आए, जिन्होंने मीमांसा का सिद्धांत दिया। और सबसे अंतिम सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत, जो बद्रायन के ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। तो ये छह सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हिंदू धर्म में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी सिद्धांत को उठा लीजिए या अनुग्रहित कर लीजिए और उसमें पूर्णता को हासिल कर लीजिए तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए हम योग के विषय में बात करेंगे कि कैसे हम योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जब हमारे पतंजलि ऋषि का जन्म हुआ, उस समय लोग मोक्ष के लिए काफ़ी मार्ग ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने देखा और एक योग को बताया मोक्ष का तरीका। योग में हम ध्यान, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, और शारीरिक योगिक क्रियाओं के द्वारा, जिसे हम योग अंग्रेजी में योगा बोलते हैं, के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम योग करें तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन भी शांत होता है। अगर हम योग को करते हुए उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाएं तो हमें एक नई अनुभूति होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है और हम एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जिससे दुनिया के जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। तो योग की जो अंतिम क्रिया है, जिसे हम कुंडली जागरण कहते हैं, उस क्रिया में जब हम पहुंच जाते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे जो महत्वपूर्ण सुख इंसान के लिए होता है वो शारीरिक सुख होता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम लोग दुनिया के कोई सुख को भोग नहीं कर सकते, किसी भी सुख का भोग नहीं कर सकते हैं। दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए तो हम सारे दुखों को झेल सकते हैं और उनको हरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, कोविड-19 जैसी बीमारियां आ रही हैं, इससे हमारी दुनिया प्रभावित है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में योग को धारण करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, उसी प्रकार योग भी एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसको पूजा के तरीके से ही अपने जीवन में ढालिए और अपने जीवन को महान बनाइए और मोक्ष की तरफ अग्रसर होइए। अगर नहीं हम कुंडली जागृत कर सकते हैं तो कुछ तो हासिल कर सकते हैं। आप अनुभव किए होंगे, जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब ज्ञान का संचार होता है, मन हमारा शांत होता है। और हमारे महान जो बाबा हैं, बाबा रामदेव, उन्होंने भी, हमारे गुरु जो ऋषि मुनि हुए हैं, पतंजलि हुए थे, उन्हीं के नाम पे अपने ट्रस्ट का नाम रखा और योग को दुनिया दुनिया में प्रचार कर रहे हैं और योग को फेमस कर रहे हैं और योग से क्या हासिल हो सकता है ये भी बता रहे हैं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज हम लोग प्रण लें कि हम भी योग करेंगे, सुबह उठ के 1 घंटा कम से कम योग करेंगे। अगर आप लोग योग करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, दूसरे को भी योग के लिए प्रेरित करते हैं, तो वास्तव में आप एक महान कार्य कर रहे हैं। योग तो एक मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है।
और योग एक विज्ञान भी है। योग केवल एक किसी को धर्म से ना जोड़ें, योग एक विज्ञान भी है और हमारे शारीरिक कलाओं को भी जागृत करता है। इसलिए योग को धारण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।